नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो से हम लोग दोस्तों हिस्ट्री की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि कौन सा चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज इस वीडियो में प्राचीन भारत शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें दोस्तों पाषाण काल आता है, और पाषाण काल से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट बनता है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, पाषाण काल को दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है, जो कि उनके नाम है पुरा पाषाण काल है, और मध्य पाषाण काल है, और नवपाषाण काल। ये क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अगला, पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जो जीविका का मुख्य आधार था तो वो शिकार करना था। और इस काल को दोस्तों हम लोग आखेटक या खाद्य संग्राहक काल भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो वो था शिकार करना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट बनता है इसमें, लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया था, और आधुनिक मानव को हम लोग कहते हैं होमो सेपियंस भी कहते हैं। और दोस्तों आगे बनता है, मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कौन सा था। तो ये क्वेश्चन बनता है, तो मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु जो था वो कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में दोस्तों पालतू बनाया गया। आगे पॉइंट दोस्तों बनता है, आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल से ही थी, किंतु जो इसका प्रयोग करना उसने नवपाषाण काल से ही प्रारंभ किया था। और दोस्तों, नवपाषाण काल से ही मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया था। तो एक ये क्वेश्चन बनता है कि कृषि कार्य मानव ने सबसे पहले किस काल में शुरू किया था, तो वो किया था नवपाषाण काल में। और दोस्तों, उसमें स्थायी निवास की प्रकृति जो प्रवृत्ति होती है, निवास मतलब रहने की प्रवृत्ति, वो विकसित हुई थी। और आगे बनता है दोस्तों, भारत में पाषाणकालीन जो सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था 1863 ईस्वी में। अगला, भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। और दोस्तों आगे इसमें बनता है, बिहार के चिरांद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि नवपाषाण काल मतलब हड्डी के औजार किस काल में मिले थे, तो वो नवपाषाण काल में मिले थे। और कहाँ पे मिले थे, तो बिहार के चिरांद नामक स्थान पर। अगला दोस्तों बनता है इसमें, पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो ये बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त होता है। अगला, औजारों में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी, तो वो थी तांबा। और तथा इस धातु का ज्ञान दोस्तों मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ था, सबसे पहले कौन सी धातु का ज्ञान हुआ था, तांबा का। अगला, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो वो लोहार देवा या लहुरा देवा से पाया गया, जो कि 8,000 ईस्वी पूर्व पुराना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो ये नवपाषाण काल में हुआ था पहिए का आविष्कार। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। तो दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट था, जो कि आज मैंने एक इतिहास की नई सीरीज शुरू की है। तो दोस्तों, हम लोग सेकेंड पार्ट में इसके आगे का पैटर्न पढ़ेंगे, जो हम लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी करेंगे, जो हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ। तो